नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बेकरी गोदाम में भीषण आग लग गई है। कानपुर के जूही इलाके में आग से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौके से तस्वीरें भी अब सामने आई हैं और आप देखिए किस तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से इस फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। कानपुर का जूही इलाका बताया जा रहा है जहां इस फैक्ट्री में आग लगी है। हालांकि दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण की आग लगी है। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने के पीछे। हालांकि दमकल की गाड़ी पूरी मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने की। कानपुर का जूही इलाका है जहां ये फैक्ट्री स्थित है। अचानक से इस फैक्ट्री में आग लगी जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो अब आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। इधर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 31 दिसंबर को 1000 डब्बे चौराहे पर हुड़दंग का वीडियो वायरल होने के बाद गौतमपल्ली थाना इंस्पेक्टर ने इन्हें पकड़ा है, जिसके बाद ये सभी लोग माफी मांगते और आगे कभी ऐसी गलती ना करने की बात दोहराते नजर आए। सड़क पर हुड़दंग करते इन युवकों का वीडियो वायरल हुआ था। 31 दिसंबर की रात का ये वीडियो था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इन युवकों को गिरफ्तार किया है और इन युवकों ने भी कसम खाई है कि आगे से ऐसे कारनामे ये नहीं करेंगे। हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया है। राजधानी लखनऊ में ये वीडियो 31 दिसंबर को वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने इन युवकों की तलाश की और आज इन्हें पकड़ा गया। रात में जो हमसे हम लोगों से गलती हुई रोड पे बियर लहराते हुए हम लोग जा रहे थे, जिसके लिए हम तीनों बहुत शर्मिंदा हैं। एक आखिरी बार हम सबको माफ कर दें। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दो युवकों की हत्या और अलग अलग जगह शव मिले हैं। 31 दिसंबर से लापता दोनों युवकों का शव मिला है। मृतकों के परिजनों ने एक फैक्ट्री पर सवाल उठाए हैं। हत्याकांड का खुलासा करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, टीला रोड थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। 31 दिसंबर से ये दोनों युवक गायब थे, जिनकी शिकायत पुलिस को दी गई और आज इन दोनों युवकों का शव मिला है। हालांकि जो परिजन हैं उन्होंने फैक्ट्री पर सवाल उठाए हैं और पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। तो डबल मर्डर से टीला रोड थाना इलाके में सनसनी फैल गई है। गाजियाबाद का पूरा मामला है जहां दो शव मिले हैं और परिजनों की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है और फैक्ट्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि दोनों की हत्या की गई है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का भी दावा कर रही है। और अगली बड़ी खबर बांदा से है, जहां बांदा में भी दिल्ली के कंझावाला जैसी वारदात हुई है। बांदा में ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को घसीटा। करीब 3 किलोमीटर तक घसीटे जाने से महिला की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक में आग लगी थी और जांच में पुलिस जुट गई है। बांदा के मवई गांव के पास की घटना है। बांदा में ट्रक ने 3 किलोमीटर तक स्कूटी सवार महिला को घसीटा है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है बांदा से, जहां कंझावाला जैसी वारदात सामने आई है। करीब 3 किलोमीटर तक घसीटे जाने से एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला को पहले टक्कर मारी और करीब 3 किलोमीटर तक उसे घसीटता रहा, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। हादसे के बाद इस ट्रक में भी आग लगी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच शुरू कर दी गई है। बांदा के बवई गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। और अब खबर बहराइच से है, जहां नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने 2 करोड़ की चरस के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये महिला तस्कर नेपाल से हिमाचल प्रदेश जा रही थी, जिसके पास से 5 किलो चरस बरामद की गई है और उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। तो नेपाल बॉर्डर से महिला को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल से हिमाचल की तरफ ये महिला जा रही थी, लेकिन बीच में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 2 करोड़ से ज्यादा की चरस के साथ पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। 5 किलो चरस बरामद हुई है इससे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो आरोपी महिला तस्कर से 5 किलो चरस बरामद की है। नेपाल बॉर्डर से इस महिला की गिरफ्तारी हुई है, जो कि हिमाचल की तरफ जा रही थी।
और चलिए बात करेंगे यूपी नगर निकाय चुनाव की, जो कि करीब 3 महीने बाद ही हो पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें ये कहा गया था कि यूपी में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब ये साफ है कि अब चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। दरअसल 5 दिसंबर को यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी की थी और इस आरक्षण सूची के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द कर दिया गया था और सरकार से जनवरी में नगर निकाय चुनाव कराने का फरमान भी जारी किया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग का गठन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन अब कोर्ट ने आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करने का वक्त बताते हुए इसी महीने में बिना आरक्षण के चुनाव पर रोक लगा दी है और इस रोक से अब साफ हो गया है कि अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही यूपी में नगर निकाय चुनाव हो पाएंगे, जिसमें करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। यानी यूपी में अब 31 मार्च से पहले नगर निकाय चुनाव होना मुश्किल नजर आ रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थानीय नगर निकाय चुनाव के संबंध में दिए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव सम्पन्न कराने में सहयोग करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वागत योग्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने माना है और इसी के लिए उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। वही यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और समय सीमा में ही चुनाव हो जाने की बात कही। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निकाय से संबंधित चुनाव से संबंधित जो आदेश दिए गए हैं, मेरी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, उसका अभिनंदन करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण करके लागू करके चुनाव संपन्न कराए जाने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा समाज के सभी वर्गों में जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था के हितों के लिए हम लोग संकल्पित। वही नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि आरक्षण के मामले में सरकार पूरा सहयोग करेगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देते हुए हम चुनाव कराने की दिशा में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करेंगे। इधर यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासत भी गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर ट्वीट किया है और निशाना साधा है। उनका कहना है कि आदेश अखिलेश एंड कंपनी को करारा जवाब है। बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का हम स्वागत करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके ये भी लिखा कि नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और रोक के आदेश का हम स्वागत करते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव एंड कंपनी, जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी है, उन्हें ये करारा जवाब है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और उनका ये कहना है कि जो ये आदेश आया है ये विरोधियों को करारा जवाब है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सियासत भी गर्माने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी आपने देखा और इसी मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है और इस आदेश को विरोधियों को करारा जवाब उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में इन सभी मुद्दों को लेकर चुनाव किए जाएंगे। वही राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंची, जहां बड़ौत में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी
दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन रहा। आज भी काफी लंबी यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की गई। कल यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है और आज भी कार्यकर्ताओं को जनता को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। जैसा घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है, वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगे है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं वो लगाम खींचते पर रुक जाते हैं एकदम। अच्छा ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते, मेरे पास आते हैं कहते हैं राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। तो जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी बागपत पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोगों के हुजूम ने राहुल की बात को ध्यान से सुना। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल के समर्थन के बाद भीड़ पहले से काफी ज्यादा दिखी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब बागपत के बड़ौत में पहुंची तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की एक झलक देखने को और राहुल गांधी का स्वागत करने को यहाँ किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे घरों की बात हो, चाहे छतों की बात हो, हर जगह लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है और पूरे बड़ौत में पैर रखने की जगह नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जब ये समर्थन दिया और अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने की जिम्मेदारी दी तो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत का नज़ारा ही बदल गया। किस तरीके से यहाँ जगह जगह बैलून लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़ी स्टेज यहाँ पर बनाई गई है और किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं कि जयंत चौधरी की एक आवाज़ पर वोट ही नहीं जान देने के लिए भी तैयार है। तो जयंत चौधरी का इस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देना कहीं ना कहीं बड़े सियासी संकेत, नए सियासी संकेत जरूर बता रहा है बीजेपी की कहीं ना कहीं इस भीड़ को लेकर जयंत के इस कदम को लेकर टेंशन जरूर बढ़ गई है। लेकिन हाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं कि जब राहुल गांधी कभी याद करेंगे कि जब बागपत पहुंचा था तो स्वागत ऐसा हुआ था कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने हमला किया है और कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि विपक्ष जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। इस पर अगर बात करें तो तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी को खत लिख करके शुभकामनाएं प्रेषित की है। मतलब बातचीत के लिए मौजूद हैं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर अगर बात करें तो आज बागपत से भी यात्रा गुजरी और रालोद के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है। विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ है लेकिन शुभकामनाएं सभी ने दी है। नहीं देखो अब जिसको लेकर राहुल जी निकले थे तो कुल मिलाकर उनका कोई भारत जोड़ना तो एक नाम था, बाकी काम तो उनका विपक्ष को जोड़ना था। वो जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में, कांग्रेस का जनाधार एक तरीके से निम्न स्तर पर पहुंच गया है और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती भाजपा के खिलाफ, इस बात को कांग्रेस भी समझती है। और जिस प्रकार से पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो राहुल गांधी ब्रांड था वो फेल हो गया था बुरी तरीके से, तो उस ब्रांड को दोबारा से एक बार बनाने के लिए, उसको दोबारा से चढ़ाने के लिए तो इनको दूसरे दलों की आवश्यकता है। ये क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं और उसको लेकर ये एक तरीके से अपना शो करके इनको दिखाने के लिए कि हमारे पास भी है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, तो ये आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबको चिट्ठी लिखी लेकिन सबने इनको शुभकामनाएँ तो दी लेकिन इनके साथ कोई सड़क पर आने को तैयार नहीं हुआ। रालोद इनके साथ में आई है तो कुछ सफलता मिली है इनको आंशिक, और बाकी इनकी तो कोशिश यही रहेगी कि ये सपा बसपा भी इनके साथ में आए। अगर आती तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी आते, लेकिन अब उन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, रालोद ने दिया, तो कुछ दो तीन जिले जहां रालोद का थोड़ा बहुत असर है वहां होते हुए निकल जाएंगे। सर
बात करें तो विपक्षी एकता की बात चले 2024 से पहले, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे दल एक होते हैं तो क्या बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? अच्छा, आपने देख ही लिया पिछली बार 2019 में जब सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था तो क्या हुआ, उस कहा जाता था सपा बसपा रालोद, ये इतना बड़ा गठबंधन है कि तो अपराजय है, तो कुल मिलाकर इसको कोई हरा ही नहीं सकता। और फिर जब आपने देखा कि जब चुनाव आया तो चुनाव में किस प्रकार से एक बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उस महागठबंधन को हरा दिया। कुल मिलाकर विषय ये नहीं है कि टेबल के ऊपर कुछ राजनीतिक लोग बैठकर आपस में गठबंधन कर लेंगे तो नीचे भी वो गठबंधन सक्सेस होगा। गठबंधन वो सक्सेस होता है जो नीचे होता है, बूथों के ऊपर होता है। बूथ पर रहने वाली तमाम सारी जातियों ने आपस में गठबंधन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री अपने ही बीच से निकले एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती थी। इधर भारत जोड़ो यात्रा पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि 50 साल का एक नौजवान भारत को समझ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 3000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत को समझना प्रशंसा की बात है और लोगों को भी हिंदुस्तान की पद यात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वो यात्रा का स्वागत नहीं करेंगे। क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो विदेश के बाद देश के उद्योगपतियों को यूपी में निवेश करने के लिए योगी सरकार मुहिम चला रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे, जहां ताज होटल में उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निमंत्रण भी दिया। दरअसल GIS 23 के जरिए योगी सरकार ने यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसमें ज्यादातर निवेश विदेश से आ चुका है और अब देश के उद्योगपतियों को साधने की तैयारी की जा रही है। मुंबई देश की औद्योगिक राजधानी है और यूपी इस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे अगुआ राज्य है, इसलिए निवेशकों को ये समझाना बताना बेहद जरूरी है कि यूपी में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद उद्योगपतियों के बीच हैं, उन्हें ये बताने, भरोसा देने, समझाने कि यूपी में निवेश करोगे तो फायदे में रहोगे। माया नगरी मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड के बड़े फिल्मकारों से एक बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। इधर बिकरो कांड के आरोपी खुशी दुबे को 29 महीने बाद जेल से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसे लेकर खुशी दुबे के परिजनों ने खुशी जताई। तो बिक्रुकांड की आरोपी खुशी दुबे, जिन्हें 29 महीने के बाद जेल से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसे लेकर खुशी दुबे के परिजनों ने खुशी जताई है। बिक्रुकांड की आरोपी है खुशी दुबे। चूर्ण जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस एस नरसिम्हा की कोर्ट थी, बेल 5वें नंबर पे पेश हुई। बेल पर काफ़ी बहस हुई, विवेक तन्खा जी सीनियर एडवोकेट अपियर हुए, मैं शिवाकांत दीक्षित भी अपियर हुआ। कोर्ट ने बल्कि बहस के दौरान कई बार ये कमेंट भी किया कि काफ़ी तेज अपोज हो रहा है और अंततः कोर्ट ने जमानत दे दी। मैं इस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने से ही बोल रहा हूँ। कुछ मिनटों पूर्व कोर्ट ने खुशी दुबे को बिकरू कांड में जमानत दे दी है। तो कुछ नहीं है, अब क्या आरोप है ये सरकार जानती है, अदालत जानती है, जैसा होगा न्याय सर्वोपरि। मुझे उसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। बहुत खुशी की बात है, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हमारे वर्षों के बराबर, हजारों साल के बराबर कटे हुए हैं। नाबालिग बिटिया हमारी, बहुत दुखी है हमारा परिवार। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।